कुत्ता जाने के डॉग इंसान का सब तो वफादार दोस्त भी है, कदे कदे इंसान का सब तो खतरनाक दुश्मन भी बन जाता है। अज पूरी दुनिया के कुत्तियां दी लगभग 400 तो वध किस्मां हन। तुहानू जिस तरह का कुत्ता चाहिए है तुहानू मिल जाएगा, छोटे तो लैके बड़े तक। इतों तक कि तुसी रंग रूप की भी गल छड़ दो, तुसी जिस रंग का चाहोगे तुहानू कुत्ता मिल जाएगा। अज मासूम दिखण वाला ते खतरनाक दिखण वाला हर एक कुत्ता इस दुनिया दे विच मिलता है। पर जिहड़ी गल मैं हुण तुहानू दसण वाला हाँ, शायद इस दे उपर तुहानू यकीन ना आवे कि कुत्तियां दी शुरुआत कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने की थी। अज पूरी दुनिया के एक अरब तो ज्यादा कुत्ते मौजूद ने, पर अज तो 20,000 साल पहले इस दुनिया के उपर एक भी कुत्ता नहीं सी। आखिर कुत्ते आए कित्थों ते इंसानों ने इन्हां नूं किस तरह बनाया, अज दी वीडियो दे विच असीं इस दे उपर ही गल करांगे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जोट टीवी। अज तो 15,000 साल पहला जो कुत्ते नहीं सन, उदो इंसानों ने नवे नवे ग्रुप दे विच जां कई इकट्ठे रहना शुरू किया सी। उदो इंसान अनाज पैदा करन ते कपड़े बनाउण वर्गियां कई नवीं चीज़ां नूं सिख रहे सन। पर इंसानों के कोल खाणा होण दे कारण एक चीज़ इंसानों के कोल आउण लगी, उह सन भेड़िए। उन्हां दे विचों एक इंसान ने उस टाइम एक अजिहा काम किया जिस दे नाल अणजाणे दे विच ही कुत्तियां दी शुरुआत हो गई। उह काम सी हड्डी नूं सुट्टणा। हड्डी किसी नूं भी नहीं चाहीदी सी, पर कुछ भेड़िए इंसानों के कोल आउण तों डरदे सन क्योंकि उन्हां दे खून दे विच स्ट्रेच हार ज्यादा होंदा है। उन्हां दा इंसानां तों डरन दा एक कारण यह भी सी कि उस टाइम इंसान काफी ज्यादा जानलेवा होंदे सन, पर उस टाइम किसी कुदरती कारण करके कुछ भेड़ियां दे विच स्ट्रेच हारमोन काफी ज्यादा घट सी, जिस करके उन्हां दे विचों कुछ भेड़ियां नूं इंसानां तों इन्ना ज्यादा डर नहीं लगता सी। ते इन्हां विचों ही एक भेड़िए ने इंसानां वल्लों सिट्टी गई हड्डी नूं इक समझौते दे नाल चक लिया। ते भेड़ियां दा समझौता यह सी कि अपनी आजादी छड के इंसानां दे लई पालतू बन जाओ, इंसानां नूं शिकार करन तों उन्हां दे लई खतरा ना बनो, ते उन्हां दे बचे हुए खाने नूं खा के ही अपना पेट भरो। इस तरह भेड़िए दे खाने दा सौखा इंतजाम भी हो जाया करेगा ते उह ज्यादा तों ज्यादा बच्चे भी पैदा कर सकणगे। भेड़ियां दे पालतू होण दा फैसला लंघदे समें दे नाल होर भी ज्यादा मजबूत हुंदा गया। भेड़ियां नूं खाणा तां टाइम सिर मिल जांदा सी, पर उहनां तों आजादी खोह लई सी, इत्थों तक कि उह अपना जोड़ीदार भी अपनी मर्जी दे नाल नहीं बना सकदे सन। ते इंसान उहनां दे लई हुण इह काम करन लग्गिया सी, भाव कि इंसान अपने हिसाब दे नाल उहनां दी ब्रीडिंग करवाउण लग्गिया सी। इस ब्रीडिंग दे कारण ते इंसानां दे कोल रहिण दे कारण हौली हौली भेड़ियां ने बदलना शुरू कर दित्ता। इस तरह कुत्तियां दी शुरुआत हुई ते कुत्तियां दे विचों भी उन्हां कतूरियां नूं मार दित्ता जांदा जिन्हां नूं सिखाया नहीं जा सकदा सी, ते जां फिर जिहड़े मालक नूं वढदे सन उन्हां कतूरियां नूं भी जां उन्हां कुत्तियां नूं भी मार दित्ता जांदा सी। इन्हां दे विचों सिर्फ उन्हां कुत्तियां दी ब्रीडिंग करवाई जांदी सी जिहड़े इंसानां नूं पसंद करदे सन ते उन्हां दे कम्म आउंदे सन। उस टाइम इंसान कुत्तियां तों कम्म लैंदा सी शिकार करन दे लई ते अपनी सुरक्षा दे लई। कुत्तियां दे जदों कतूरे हुंदे सन तां इंसान उन्हां दे विचों सब तों प्यारे कुत्ते नूं चुणदा सी, ते जिहड़ा कुत्ता आखे नहीं लगदा सी जां कहने तों बाहर हुंदा सी उस नूं मार दित्ता जांदा सी। ते इस तरह इन्हां दी कई पीढ़ियां ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਜ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।